जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में अभी तक कुल 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया को बड़ी ही शानदार तरीके से जीत मिली है। लेकिन दोस्तों, अब वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का तीसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को खेला जाना है। वर्ल्ड कप में लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल अभी तक 7वें आसमान पर पहुँच गया है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला हमेशा से ही हाई वोल्टेज महामुकाबला होता आया है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले को जरूर जीतना चाहेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ 14 अक्टूबर को इस महामुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जीत के बावजूद भी बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और सुमन गिल जैसे खतरनाक खिलाड़ियों की भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एंट्री करा दी है। तो दोस्तों, आखिर कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में कौन कौन से खतरनाक खिलाड़ियों को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में वापसी कराई है और कौन कौन से फ्लॉप खिलाड़ियों को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है, दोस्तों पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के टॉप ऑर्डर में यानी कि ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में यहां पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में सुमन गिल यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले हैं। आपको बता दें कि सुमन गिल ने पिछले 2 मुकाबले नहीं खेले थे क्योंकि सुमन गिल बीमार हो गए थे। लेकिन दोस्तों, अब खबर ये आ रही है कि सुमन गिल अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं और अब अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि अहमदाबाद में सुमन गिल का बल्ला खूब गरजता है और काफ़ी शानदार रन बनाते हैं। दोस्तों, यहां पर ईशान किशन को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि ईशान किशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 रन पर आउट हो गए थे और फिर उसके बाद ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन दोस्तों, सुमन गिल के फिट होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने सुमन गिल को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में वापस ले लिया है और ईशान किशन को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि देखा जाए तो सुमन गिल इस समय काफ़ी कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं और रोहित शर्मा भी इस समय काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले में यानी कि अफगानिस्तान के खिलाफ 131 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी और अपनी फॉर्म में वापस आने के संकेत दे दिए थे। रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट के काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं। रोहित ने अभी तक वनडे में 3-3 दोहरे शतक लगाए हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहा है और एक बार फिर से दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए काफ़ी बेहतरीन शुरुआत देने वाले हैं। दोस्तों, अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से ही खतरनाक प्रदर्शन किया है और दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली इस समय काफ़ी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया था जिसमें उन्होंने 85 रनों की शानदार पारी खेली थी और टीम इंडिया के संकट मोचन बनकर आए थे और भारतीय टीम को मैच भी जिताया था। और दोस्तों, उसके बाद दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ भी काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया था। ऐसे में विराट कोहली काफ़ी कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं और दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और श्रेयस अय्यर की जगह पर यहाँ पर सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। सूर्यकुमार यादव वैसे तो T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, लेकिन दोस्तों, सूर्यकुमार यादव अभी वनडे फॉर्मेट में भी काफी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सूर्यकुमार यादव को शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, अगर पाँचवें नंबर की बात करें तो पाँचवें नंबर पर यहाँ पर केएल राहुल भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। केएल राहुल ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि केएल राहुल ने वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 97 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी और टीम इंडिया को मैच जिताया था और टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बनकर आए थे। केएल राहुल ने विराट कोहली के साथ में मिलकर काफ़ी कमाल की पार्टनरशिप करी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि केएल राहुल इस समय काफ़ी कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं
और एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ पाँचवें नंबर पर केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों अगर ऑलराउंडर्स की बात करें यहाँ पर तो ऑलराउंडर्स में छठवें और सातवें नंबर पर आपको बता दें कि छठवें नंबर पर खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हार्दिक पांड्या इस समय काफ़ी कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या काफ़ी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे हैं और उसके साथ में रविंद्र जडेजा भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा को अभी बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा तो रविंद्र जडेजा किसी भी मैच में काफ़ी धमाकेदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर छठवें और सातवें नंबर पर पाकिस्तान के खिलाफ जडेजा और हार्दिक पांड्या की जगह पक्की हो गई है। दोस्तों अगर आठवें नंबर की बात करें तो आठवें नंबर पर यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि आठवें नंबर पर अभी तक रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए दिखाई दे रहे थे और दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ भी आठवें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन ही खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। रविचंद्रन अश्विन इस समय काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि पूरी टीम इंडिया इस समय काफ़ी कमाल की फॉर्म में चल रही है और दोस्तों यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ आठवें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों नौवें और दसवें नंबर की बात करें तो नौवें नंबर पर मोहम्मद सिराज और दसवें नंबर पर कुलदीप यादव खेलने वाले हैं। दोनों ही खिलाड़ी इस समय काफ़ी कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ मोहम्मद सिराज थोड़े पिट गए थे, लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव काफ़ी शानदार चल रहे हैं और कुलदीप यादव काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। दोस्तों भले ही मोहम्मद सिराज अफगानिस्तान के खिलाफ ज़्यादा रन खा गए थे, लेकिन अब अगले मैच में मोहम्मद सिराज काफ़ी कमाल की गेंदबाजी करने वाले हैं और मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के काफ़ी शानदार गेंदबाज हैं, इसलिए नौवें और दसवें नंबर पर मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ 11वें नंबर पर टीम इंडिया के खतरनाक और यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर और टीम इंडिया के मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह काफ़ी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और जसप्रीत बुमराह शुरू के और आखिरी के ओवरों में काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं। शुरू के ओवरों में जसप्रीत बुमराह नई गेंद से गेंद को काफ़ी ज़्यादा हरकत करवाते हैं और इन स्विंग आउट स्विंग करवाते हैं। ऐसे में दोस्तों किसी भी बल्लेबाज के लिए रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और दोस्तों आखिरी के ओवरों में यानी कि डेथ ओवरों में जसप्रीत बुमराह काफ़ी खतरनाक यॉर्कर गेंदें फेंकते हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जसप्रीत बुमराह कितने भी रन डिफेंड कर सकते हैं और जसप्रीत बुमराह काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही है। टीम इंडिया लगातार वर्ल्ड कप में दो मुकाबले जीतने के बाद अपने कॉन्फिडेंस लेवल को सातवें आसमान पर पहुँचा रखा है और दोस्तों ऐसे में टीम इंडिया काफ़ी हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले में 14 अक्टूबर को कौन सी टीम जीतेगी? आप हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।